हमने इस चैनल पे डिस्कस किया है अबाउट विष्णु सहस्त्रनाम और ललिता सहस्त्रनाम, उनकी फलश्रुति के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, इफेक्ट्स के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया है। ये कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, उसमें आप ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। आज हम जानेंगे और एक बहुत ही प्रभावशाली सहस्त्रनाम स्तोत्रम के बारे में, ऐसा सहस्त्रनाम स्तोत्र जिसको पढ़कर आपको विष्णु सहस्त्रनाम और शिवजी के सहस्त्रनाम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन दोनों के ही बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक ऐसा सहस्त्रनाम जिसकी पूजा करने से, जिसका पाठ करने से आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के आशीर्वाद अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। एक ऐसा सहस्त्रनाम जो कलयुग में आने वाले सारे संकटों के लिए और सारे जो कलयुग के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और कलयुग में कई सारे नियमों का हम पालन जो है वो नहीं कर पाते हैं, और उसके बावजूद भी जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हमें इफेक्ट देने वाला एक सहस्त्रनाम हो सकता है वो हो सकता है आज का सहस्त्रनाम। तो आज का जो सहस्त्रनाम है वो आपको अच्छी एजुकेशन, अच्छा आरोग्य, अच्छी योग साधना में अलग अलग सिद्धियाँ, और साथ साथ में आपके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सारी ही इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा करने वाला जो है आज का सहस्त्रनाम होगा, और आपको पसंद आएगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज का जो वीडियो है उसको आखिर तक देखिए, स्किप मत करिए, स्टे ट्यून्ड। तो हम बात कर रहे हैं श्री गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्रम के बारे में। ये जो सहस्त्रनाम है ये श्री गणेश पुराण में हमको मिलता है उपासना खंड में, और ये स्वयं श्री गणेश ने ही बताया है। और ये श्री गणेश मुनि और श्री शिवजी के बीच में जो संभाषण है उसके माध्यम से ये श्री गणेश सहस्त्रनाम बताया गया है। तो इसकी जो फलश्रुति है उसी फलश्रुति को ट्रांसलेट करके मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। अपने तरफ से मैं इसमें कुछ भी ऐड करने वाला नहीं हूँ, जो भी यहाँ पे लिखा गया है वही मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर यह कहा गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त पे उठता है और रोज श्री गणेश सहस्त्रनाम का पाठ करता है, उसको अपने जीवन में जितने भी ऐहिक सुख हैं, यानी कि जितने भी मटेरियल हैप्पीनेस या सुख हैं, वो सारे आपको प्राप्त होते हैं। उसके साथ साथ आयुर, आरोग्य, ऐश्वर्य, ये सब कुछ आपको प्राप्त होता है, यानी कि लंबी आयु, अच्छा आरोग्य, धैर्य, शौर्य, बलम, यशः, यानी कि आपको सक्सेस, आपकी हिम्मत, बल, शारीरिक बल, मानसिक बल, धैर्य यानी कि पेशेंस, ऐश्वर्य, संपत्ति, फेम, हेल्थ, लंबी उम्र, ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। ये सब कुछ आपको प्राप्त होता है जो नित्य श्री गणेश सहस्त्रनाम का पाठ करता है। उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है कि आपकी जो मेधा, प्रज्ञा, धृति, कांति, सौभाग्य, ये सब कुछ आपको प्राप्त होता है, यानी कि आपकी मेमोरी, आपकी बुद्धि, आपकी वाचा यानी कि बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स, कांति यानी कि चेहरे का तेज, सौभाग्य, सत्य, दया, क्षमा, शांति और दाक्षिण्य यानी कि अच्छा कैरेक्टर, अच्छा बिहेवियर, धर्मशीलता, तो ये सारी चीज़ें, अच्छा कंडक्ट जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं जो भी श्री गणेश सहस्त्रनाम का रोज पाठ करता है। आप विद्या वाचस्पति बन जाएंगे, आपको सभा पांडित्य मतलब है अगर आप कहीं स्टेज पर जाके बोलते हैं, ओरेटर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, और दुनिया के साथ एक बड़े पोडियम से कोई बात आप पहुंचाना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों में आपको ये जो सहस्त्रनाम है उसका पाठ करना लाभ दे सकता है। और आपको बड़े से बड़े जो स्कॉलर्स हैं वो भी आपको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। जो बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, वो बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ आपकी बातों को सुनेंगे। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होंगे, बड़े बड़े कोई भी बड़े स्थान के जो लोग हैं, वो सारे लोग आपको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे आफ्टर यू स्टार्ट रीडिंग गणेश सहस्त्रनाम ऑन अ रेगुलर बेसिस। उसके बाद ओज, तेज, कुलशील, वीर्य, यानी कि आप तेजस्वी हो जाएंगे, ओजस्वी हो जाएंगे, आपका कैरेक्टर और निखरना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ में आप जो है करेजस यानी कि हिम्मत वाले बन जाएंगे, और आप एक आदर्श व्यक्ति की तरह देखे जाएंगे। आपकी जो एक पर्सनालिटी है, आपका कंडक्ट है, आपकी एक स्टोरी है, वो सारी जो है एक आइडियल की तरह, एक आदर्श की तरह देखी जाएगी। इस तरह की आपकी जो है जीवन यात्रा होनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको ज्ञान की प्राप्ति, विज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति में जो भी आप कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई में अपने कोशिश कर रहे हैं, उन सारी जगहों पर आपको सफलता प्राप्त होगी। और अध्यात्म की राह पर भी आप जो भी कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके अंदर एक स्थिरता आएगी, आपका जो भगवान के अंदर विश्वास है वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होता चला जाएगा, आपका अपने काम में जो कन्विक्शन है वो भी बढ़ता चला जाएगा। उसके साथ साथ धन धान्य, ये सारी चीज़ें जो है उनमें वृद्धि होगी। उसके साथ साथ जो भी चतुर्विध पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये अनायास ही आपको प्राप्त हो सकते हैं इस सहस्त्रनाम सूत्र के पाठ करने से, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर यह कहा गया है कि जो राजा है, राजकलत्र हैं, राजपुत्र हैं, मंत्री हैं, ये सारे जो है आपके दास बन जाएंगे, आपको वश हो जाएंगे, यानी कि जो भी अधिकार के पद पे बैठे हुए लोग हैं, जो अपनी अपनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हैं, वो सारे जो आपके जीवन में मैटर करते हैं, वो सारे लोग आपके
जो है फ्रेंड बन जाएंगे, आपके दास बन जाएंगे, आपके लिए वो जो है मदद करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगे। तो ये भी यहाँ पर कहा गया है। उसके अलावा यहाँ पर ये कहा गया है कि आपके जीवन में अगर आप साम्राज्य सुख यानी आपके एसेट्स और आपकी अथॉरिटी आप चाहते हैं जीवन में, तो वो सारी चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। जितने भी कलह हैं, जितने भी झगड़े हैं, उन सारी झगड़ों का जो मूल है वो सारे जो है उनका नाश हो जाएगा और आपके सारे जो कलह हैं वो खत्म हो जाएंगे। किसी के साथ भी आपके झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। दुस्वप्न यानी कि बुरे सपने अगर आपको आते हैं तो वो सारे खत्म हो जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो गुस्से पर अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये श्री गणेश सहस्रनाम बहुत काम करता है। उसके साथ साथ ये कहा गया है कि आप जैसे जैसे इस स्तोत्र का रेगुलरली पाठ करते जाएंगे तो उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपके अंदर जितने भी आपके षटचक्र हैं वो जागृत हो जाएंगे, आपकी जो भी अष्ट महासिद्धियां हैं वो सारी आपको प्राप्त हो सकती हैं और त्रिकाल ज्ञानी आप बन सकते हैं। तो एक ये जो महास्तोत्र है इसको पढ़ने से आपके जीवन में जितना भी और जो भी प्राप्त करने लायक है वो यहाँ से आपको धीरे धीरे प्राप्त होता चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर यह भी कहा गया है कि परकृत्य प्रशमनम परचक्र प्रमर्दनम, यानी कि जो किसी अगर किसी और ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, कोई गलत काम, कोई गलत कॉन्स्पिरेसी, कोई गलत प्लान आपके खिलाफ कोई कर रहा है, तो वो सारे जो आपके खिलाफ जो भी बुरी कार्य क्रिया इत्यादि की गई है वो सारे के सारे पराभूत हो सकते हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आपके शत्रुओं का पराभव हो जाएगा। और अगर आपके ऊपर किसी की सत्ता है, किसी के डोमिनेशन के अंदर आप फंस गए हैं, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है अगर आप नित्य श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं। अगर आप युद्ध में हैं, किसी फाइट में हैं, किसी के साथ आपकी जंग चल रही है, तो उसमें भी आप विजयी होकर बाहर निकल सकते हैं, यशस्वी होकर बाहर निकल सकते हैं अगर आप नित्य श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड की गई है, वो ये भी है कि अगर किसी को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी, इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, अबॉर्शन हो रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए जितने भी वंध्यत्व दोष यानी इनफर्टिलिटी के जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी ये श्री गणेश सहस्रनाम जो है काफ़ी कारगर होता है, उससे आपकी गर्भ रक्षा हो सकती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है फलश्रुति में। और अगर आप इसका पाठ नित्य करते हैं तो गर्भधारणा में, गर्भ रक्षा में और फिर बच्चा जो है अच्छे तरीके से जन्म उसका ठीक से होने के लिए, माँ और बच्चा दोनों की जो सुरक्षा है उसके लिए ये श्री गणेश सहस्रनाम भी कारगर हो सकता है। तो ये भी यहाँ पर विशेष रूप से कहा गया है। बुरा दौर चलता है यानी कि अगर कहीं पे जैसे कोविड जैसी महामारी आ गई, या कहीं पे अगर आप कह सकते हैं कि सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, दरिद्रता फैली हुई है हर जगह पे, तो ऐसी सिचुएशंस में भी आप जो है बच के निकल जाएंगे और आपके घर में जितनी भी आपकी ज़रूरत है और पैसा है वो आप तक आता रहेगा और आप उसमें से सुरक्षित रूप से जो है तर जाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद कुछ स्पेशली यहाँ पर रोग बताए गए हैं, ऐसे रोग जिनके ऊपर ये श्री गणेश सहस्रनाम पढ़ना जो है उसका इलाज करने के लिए आपको मदद कर सकता है, या अच्छा इलाज, अच्छा डॉक्टर मिलने के लिए आपको मदद मिल सकती है, तो उसके लिए यहाँ पर विशेष रूप से मेंशन किया गया है। यहाँ पे कहा गया है क्षय रोग यानी जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कह सकते हैं, कुष्ठ रोग यानी कि जो कुष्ठ रोग स्किन डिजीज होता है उसके बारे में बात की गई है, अर्श यानी पाइल्स, उसके बाद फिस्टुला, इस तरह की जो बीमारियां हैं, गुप्त रोग हैं, उन सारे के ऊपर ये श्री गणेश सहस्रनाम का पाठ करना बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है, ऐसा यहाँ पर फलश्रुति में कहा गया है। उसके अलावा ये कहा गया है कि कोई भी अगर आपको एसिडिटी से रिलेटेड या हाइपर एसिडिटी से रिलेटेड या आपकी पैंक्रियास से रिलेटेड यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ, तो इन सारी बीमारियों के ऊपर अच्छा इलाज मिलने के लिए, अच्छा डॉक्टर मिलने के लिए, वो सारी बीमारियाँ जो है ठीक होने के लिए आपको मदद हो सकती है अगर आप श्री गणेश सहस्रनाम का पाठ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सांसों से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत होती है, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो उसके लिए भी यहाँ पर अगर आप इस श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको फायदा होता है। उसके अलावा पेट में दर्द होना, कहीं शरीर में आपके बदन दर्द होना, या आपके सर में दर्द होना, माइग्रेन होना, तो ऐसी सारी चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और ये कहा गया है कि कोई भी कैसा भी यहाँ पर ज्वर हो यानी कि वात, पित्त, कफ, किसी के भी दोष के वजह से अगर आपको कोई बुखार है तो ये सारी बीमारियाँ जो है वो उससे आप बच जाएंगे अगर आप नित्य श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, या ऑलरेडी अगर आपको ये रोग है और आप ये श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो फिर ये सारे रोग जो है इनका इलाज होने के लिए आपको मदद ज़रूर मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। उसके अलावा फिर जो है कहीं बाहर से अगर आपको कोई जो है बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन हो गया है या इस तरह की बातें, या जो ऋतु यानी कि आपके समर, विंटर, मॉनसून, अलग अलग सीजन्स की वजह से जो आपके बीमारियां आती जाती रहती हैं, तो उन सारे से भी बचने के लिए कहा गया है कि श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्र आपकी मदद कर सकता है अगर आप नित्य इसका पाठ करते हैं। अगर इसके अलावा आप अपने मन से रिलेटेड अगर कोई दोष या असंतुलन है उससे बचना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्र बहुत प्रभावशाली होता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। उसके अलावा ये कहा गया है कि अगर आप किसी मंत्र की सिद्धि या जप सिद्धि करना चाहते हैं और वो किसी वजह से आपसे हो नहीं पा रही है, क्योंकि आपके द्वारा उतनी शुद्धि या उतना जो है कर्मकांड या उतना रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना जो है आपसे संभव नहीं हो पा रहा है, या किसी भी वजह से आपकी जप की सिद्धि, मंत्र की सिद्धि हो नहीं पा रही है, तो अगर आप उस मंत्र के साथ में, उस
जप के साथ में अगर आप श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो वो जप सिद्धि होने में भी आपको मदद मिलती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर यह कहा गया है कि किसी भी मनोरथ को पूरा करने के लिए, किसी भी अपनी इष्ट कामना को सिद्ध करने के लिए अगर आप श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये इस समान होगा जैसे आपने सूर्य, चंद्र, उसके बाद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, कामदेव और सारी ही अलग अलग देवताओं की आपने एक साथ अगर पूजा कर दी तो वैसा फल आपको मिलेगा अगर आप श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं और जो भी आपकी वो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद ये कहा गया है कि अगर आप श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको अलग से शिवजी की पूजा, उपासना इत्यादि करनी नहीं पड़ती क्योंकि शिवजी अपने आप ही आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और आपको अपने पुत्र के समान वो जो है आशीर्वाद देना शुरू करते हैं और आपकी रक्षा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर आप निष्काम होकर, यानी आपने अपने मन में कोई भी डिज़ायर नहीं रखी और सिर्फ आप रोज़ाना इसका पाठ करते रहते हैं तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आपका कोई भी जाति, धर्म या आपका कोई भी देश, कैसी भी परिस्थिति आपकी हो, उन सारे के पार आप जो है चले जाएंगे अगर आप ये सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहते हैं तो इन सारे बैरियर्स का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, जो भी आपका गंतव्य है, वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। सारे बैरियर्स को लांघते हुए आप एफर्टलेसली वहाँ पर पहुँच जाएंगे। योग सिद्धि के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, वापस यहाँ पर कहा गया है कि योग सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है, ज्ञान वैराग्य इत्यादि की प्राप्ति आपको हो सकती है और आपको जो परमानंद की प्राप्ति करनी है अपनी साधना में वो आपको प्राप्त हो जाएगी और उसके बीच में जो भी बाधाएं हैं आपके आध्यात्मिक यात्रा में वो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद ये कहा गया है कि इस विश्व में जो भी सीखने लायक है और जो भी आदर्श करने लायक है वो सारी चीज़ें अपने आप ही आपके जीवन में होती चले जाएंगी और आप जो है एक विश्ववंदित, यानी कि पूरी दुनिया में फेमस और पूरी दुनिया में जो है जगन मान्य आप जो है एक तरीके से बन जाएंगे। आपको एक आदर्श की तरह देखा जाएगा अगर आप ये सहस्रनाम का पाठ करते हैं। उसके साथ साथ आप जैसे राजाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों पर कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही आप अपने रिपुओं पर, यानी कि अपने अंदर के जो भी आपके षड रिपु होते हैं वो सारे आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यह कहा गया है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन अगर आप दुर्वा अर्पण करते हैं, षोडशोपचार पूजा अर्पण करते हैं, तर्पण अर्पण करते हैं और इस सहस्रनाम का पाठ करते हैं श्री गणेश जी के लिए तो यहाँ पर आपको जो है जो भी चाहिए, धनम धान्यम ऐश्वर्यम विजयो यशा, सब कुछ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। उसके साथ साथ पुत्र पौत्रादि जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर इस श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्र का आप रोजाना पाठ करते हैं तो ये ऐसा है जैसे श्री गणेश की आपने साक्षात सदेह आपने उनका जो है दर्शन कर लिया है, यानी कि रोज आप साक्षात अगर श्री गणेश जी के दर्शन लेते हैं तो बिल्कुल वैसा ही फल है ये श्री गणेश सहस्रनाम पढ़ने का, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। अगर इस स्तोत्र को आप किसी किताब में रोजाना लिखते हैं, यानी कि इसको बोलने से ज्यादा अगर आप उसको लिख लिख कर किसी किताब में रोज आप उसको लिखते रहते हैं और उस किताब का पूजन करते हैं तो ये ऐसा होगा कि आपने स्वयं श्री लक्ष्मी जी को अपने घर में आने का न्योता दिया है और श्री लक्ष्मी जो है वो स्वयं आके आपके घर में परमानेंटली विराजमान हो जाएंगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। उसके अलावा अगर आप लिख लिख कर श्री गणेश सहस्रनाम की पूजा करते हैं और पाठ इत्यादि करते हैं, अलग अलग तरह के व्रत होते हैं, दान होते हैं और उसके साथ साथ जो है तीर्थ यात्राएँ होती हैं और उपवास होते हैं, ये सारे जो होते हैं इन सारों का जो फल है वो सारा आपको ये जो श्री गणेश सहस्रनाम का पाठ और जो लिख कर श्री गणेश सहस्रनाम का पूजन इत्यादि करना है वो जो करते हैं उनको ये सारे जो पुण्य हैं वो अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है कि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा ऊंचे फल की प्राप्ति करनी है वो लोग अगर त्रिकाल संध्या के वक्त पे ये श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, यानी कि सुबह को एक बार, मध्याह्न में एक बार और इवनिंग टाइम में एक बार, तो संध्या काल में तीन बार जो लोग इसका पाठ करते हैं उनके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं रह जाती, सब कुछ उनके लिए संभव ही संभव हो जाता है और अमोघ से अमोघ सिद्धि और अमोघ से अमोघ जो मंगल आपके जीवन में हो सकता है वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। उसके अलावा मैंने एक सीरीज़ अपलोड की थी अपने इस चैनल पर जिसमें मैंने अलग अलग नक्षत्रों के लिए गणेश जी के बारे में बात की थी, जिसमें 32 गणेश जी के गणपत्य संप्रदाय में 32 तरह के अलग अलग रूप बताए गए हैं, जिसमें से 27 नक्षत्र जो हैं उनके लिए, हर नक्षत्र के लिए एक एक श्री गणेश जी का अलग अलग रूप बताया गया है और साथ में 5 जो तत्व होते हैं, 5 महाभूत होते हैं, उनके लिए भी एक एक जो है श्री गणेश जी के अलग अलग रूप बताए गए हैं और उनके सबके जो है अलग अलग उपासना विधि होती है, अलग अलग मूर्तियाँ होती हैं, अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं, मूल मंत्र होते हैं, तो उन सभी का अगर आप पूजन करते हैं वो सारे श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से ही हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आखिर में ये कहा गया है कि अगर आप ये सारा पूजन पठन इत्यादि करते हैं और साथ में मिष्टान्न का भोग जो है श्री गणेश जी को लगाते हैं और उसके साथ साथ 21 मोदक
का नैवेद्य भोग अगर आप लगाते हैं श्री गणेश जी को और ये सहस्रनाम का पाठ करते हैं तो इससे जो है कहा गया है कि आप जो है वाचा सिद्धि तक प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो भी आप कहेंगे वो सत्य होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है बेसिकली कि जो जो आपको प्राप्त होने लायक है वो सब कुछ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से। और श्री गणेश सहस्रनाम में फलश्रुति में ये भी कहा गया है कि श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ जो नित्य करता है तो विष्णु जी की अलग से आराधना करनी नहीं पड़ती, शिव जी की अलग से आराधना करनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो दोनों अपने आप ही उस साधक पर जो जो अपनी कृपा दृष्टि कर सकते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ एक श्री गणेश सहस्रनाम का पाठ करने से आपको जो है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और गणेश जी चारों की कृपा प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पैसे, रोग, उसके साथ साथ पुत्र, पौत्र आदि सिद्धियाँ और अष्ट सिद्धि, छह चक्र का भेदन और जो भी आप करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक इन्होंने बोला है कि वाचा सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है, लेना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि किसको क्या पढ़ना चाहिए। तो अगर अभी आप जो है कर्जों में डूबे हुए हैं, आपके पास फाइनेंशियल बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है, आपकी जितनी जरूरत है उतने भी पैसे आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए जिससे आप इन सारे बेसिक जो आपके संकट हैं उनसे आप बाहर निकल के आ जाएंगे। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं लेकिन आपके पास मन की शांति नहीं है, पारिवारिक सुख नहीं है, अगर आपको फेम नहीं मिल पा रहा है या ऑफिस पॉलिटिक्स से आप चिंतित हैं या राहु केतु शनि या मंगल की दशा चल रही है तो आपको शिव सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके नहीं हैं, अगर आप विद्यार्थी दशा में हैं, आप आर्टिस्ट हैं, कला से रिलेटेड काम करते हैं और आपकी जो समस्या है वो ये है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके लाइफ में विघ्न बहुत आते हैं, ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं और बहुत ज़्यादा पीड़ा बार बार आती रहती है और हर चीज़ को क्रॉस करते करते आपको आगे जाना पड़ता है, तो फिर आपको गणेश सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं लेकिन कोई ना कोई मेरे शत्रु होते हैं जो बार बार मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक ये वो करते रहते हैं, ऐसा अगर आपको लगता है तो फिर आपको सब कुछ प्राप्त करने के लिए अभी तक जो भी मैंने गिनाया वो सब और फिर ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए आपको श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई पूछे कि अगर मैं सारे ही पढ़ सकता हूँ, सारी ही मास्टरी है मेरी, सारे में पढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अगर कोई उसमें से बेस्ट पढ़ना है तो मैं कौन से पढ़ूँ, तो मैं ये कहूँगा कि आपको अगर सारे पढ़ने हैं तो उससे बेटर ये रहेगा कि सिर्फ आप जो है श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करिए और उसके बाद ललिता सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करिए। सिर्फ ये दो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये चारों का फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कलौ चंडी विनायकौ ऐसा कहा गया है, यानी कि कलयुग में जो है श्री गणेश और दुर्गा जी की उपासना करना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि सत्ययुग में ब्रह्मा जी की, सूर्य की, गायत्री की पूजा उपासना होती थी, उसके बाद त्रेता युग में जो है शिवजी की उपासना ज़्यादा होती थी, उसके बाद आता है द्वापर युग जिसके अंदर विष्णु जी और विष्णु जी के जो अवतार हैं उनकी पूजा ज़्यादा हो गई, और उसके बाद में अब कलयुग है। कलयुग में जो है लोग एक तो नास्तिक होते हैं या तो फिर वो बाबा, गुरुजी, माताजी इनमें फंसे रह जाते हैं और फिर उसमें से बाहर निकलकर जो लोग आना चाहते हैं और कलयुग की जो समस्या है उनके ऊपर अगर आप जो है यश प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको जो है गणेश जी और दुर्गा जी, अगर इन दोनों की उपासना आप करते हैं तो आपको लाभ होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल मैं देना चाहता था वो ये है और इसके आगे भी कुछ चीज़ें मैं डालता रहूँगा जो शायद श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र के भी आगे जाएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप एक एक करते करते ये सारे स्तोत्र सीखें और जैसे जैसे आप सीखेंगे तो आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, संस्कृत पढ़ने की क्षमता है वो सारी बढ़ती चली जाएगी और आप जैसे जैसे इसको पढ़ना शुरू करेंगे पहले एक दो तीन महीने में आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके विचार करने की जो प्रणाली है, आपके विचार, आचार, व्यवहार सब में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि सकारात्मक बदलाव होने शुरू हो गए हैं। तो एक एक करते करते आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे ही सहस्रनाम प्रभावशाली हैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट, टाइम कंस्ट्रेंट्स इसको ध्यान में रखते हुए और अपनी ज़रूरत और अपनी साधक एज अ साधक आपकी स्टेज को रिकग्नाइज करते हुए आपको चुनाव करना है कि कब और कौन सा सहस्रनाम का पाठ आपको करना चाहिए। ऑफ कोर्स इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहते हैं तो फिर आप किसी ज्योतिषी से पूछ सकते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार आपकी जो समस्या है उसके लिए अभी स्पेसिफिकली अभी आपको किस सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, वो जो भी आपको बताएंगे इसमें से वो उसका आप पाठ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जब भी आप श्री गणेश जी की पूजा करें, चाहे वो गणेश चतुर्थी के दिन हो, चाहे संकष्टी और विनायकी चतुर्थी के दिन उपवास के साथ हो, तो आपको श्री गणेश सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए क्योंकि इसमें आपके सारे ही दोषों का निवारण हो सकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।